मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इन दिनों गुजरात दौरे पर है। वीडी शर्मा ने साबरमती विधानसभा क्षेत्र में युवा मोर्चा की बैठक ली, साथ ही कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान वीडी शर्मा ने कहा कि गुजरात में वोट किसको मिलेगा ये कोई इश्यू नहीं है, वोट तो बीजेपी को ही मिलेगा। वहीं इस दौरान वीडी शर्मा ने प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने प्रियंका गांधी से सवाल पूछा कि वे कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगी, उन्हें पुलिस ढूंढ रही है, उन पर रेप का केस दर्ज हुआ है। प्रियंका गांधी जी बेटी है तो लड़ेगी, ये अभियान दे रही थी। अरे प्रियंका जी, ये मध्य प्रदेश चिल्ला चिल्ला करके पूछ रहा है, आपके उमंग सिंगार कांग्रेस के विधायक, मैं गुजरात के चुनाव में हूं, वो गुजरात के चुनाव के सह प्रभारी हैं, उनके ऊपर कांग्रेस की राष्ट्रीय नेत्री ने उनके खिलाफ बलात्कार का आरोप नहीं लगाया, बलात्कार की एफआईआर हुई है, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। इससे पहले एक बहन की हत्या कर दी गई, उसको आत्महत्या में कन्वर्ट कर दिया गया, और मध्य प्रदेश के अंदर आप किस हैसियत से, और मध्य प्रदेश के अंदर आप नैतिक मूल्यों को अगर आप विश्वास रखते हैं तो ये मध्य प्रदेश आपसे पूछना चाहता है, उमंग सिंगार के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगी, ये मध्य प्रदेश आपसे जानना चाहता है।